शाहरुख होता था मैं होता था वहाँ पर उनके प्रोड्यूसर जो थे रतन जैन जी वो खड़े रहते थे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं सुपरस्टार नहीं थे उस जमाने में पर उनका कमिटमेंट उसकी जो डेडिकेशन थी वो जिस तरीके से काम करते थे सनी को वो मतलब वो, वो गन्स के साथ बहुत शौक था तो हमें भी मौका मिला ए के शूट करने का मेरा सौभाग्य था कि मैं हमेशा यही सोच रहा था कि मुझे यश जी यश चोपड़ा साहब के साथ काम क्यों नहीं मिल रहा है सब बाकी सब लोग कर रहे हैं मुझे ये मौका चाहिए एक और वो आ गया डर के तो मुझे बुलाया गया यश जी के ऑफिस में और यश जी को असल में उनके उनके जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन लोग थे उन्होंने ही मुझे कंफर्म किया रोल बताया सब कुछ बताया कि तुम सनी के फादर हो इसमें और तुम नेवल ऑफिसर हो और मुझे वैसे मेरा बैकग्राउंड भी हम मतलब मेरे पिताजी वायु सेना में थे तो मुझे नेवल ऑफिसर करने का बहुत शौक़ था वाइट यूनिफॉर्म पहनना बहुत मज़ा आया यश जी के साथ काम करने का मेरा मतलब मैं यही सोचता मेरा मतलब यही था कि मैं और भी काम करूं यश जी के साथ लेकिन वो मौका नहीं मिला बट ही वॉज़ अ फैंटेस्टिक डायरेक्टर जो पूरी दुनिया जानती है और उनने मेरी तारीफ भी की शूटिंग के बाद और वही कहा उनने की तुम सही टाइम पे आए सही टाइम पे शूटिंग हुई तुम लेट नहीं थे कुछ भी मतलब उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ की तुम 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 डिसिप्लिन है ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत बड़ा प्रेस था तो आई हैड आई हैड मतलब मेरा रोल छोटा सा था डर में लेकिन बहुत मज़ा आया यहाँ पर हमने नेवल शिप पे शूट किया था ताजमहल होटल के आगे डॉक्स पे और वहाँ पर जो उनका नेवल नेवल कमांड का जो उनका जो फायरिंग रेंज है वहाँ पर, पर हमें सनी को वो मतलब वो गन्स के साथ बहुत शौक था तो हमें भी मौका मिला एके फोर्टी सेवन शूट करने का रेंज पे नेवल रेंज पे बाहर नहीं है प्लीज़ तो इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टू तो वर्क विद यश जी और मेरा सिर्फ दुख की बात यह है कि मैं उनके साथ ज़्यादा काम नहीं कर पाया बट इट व इट वॉज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी डर और बहुत बड़ी हिट भी हुई तो इट वाज इट वाज मतलब मेरी मेरे करियर ग्राफ में बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है डर स्पेशल फिल्म डर के बाद तो एक बहुत एक पिक्चर आई मेरे पास जो उस समय uh, हमें कभी किसी को कभी मालूम भी नहीं था कि ये पिक्चर ऐसी इतनी सुपर सुपर हिट फिल्म होगी उसका नाम था बाजीगर अब्बास मस्तान भाई ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो ऐसा रोल है हम चाहते हैं कि आप ये ये रोल करें तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने उन पूछा उन्होंने कहा शाहरुख खान इसका हीरो है तो शाहरुख के साथ मैं दीवाना कर चुका था उसके पहले तो हमने डर की शूटिंग शुरू की खूब मज़ा आया का मतलब श्री पैरम्बूर गए हम वहाँ पर मतलब पाँच दिन के लिए तो हम गाड़ियाँ चला रहे थे वो रेस कार्स तो इतना मज़ा आ रहा था कि लग लग ही नहीं रहा था कि हम शूटिंग कर रहे हैं मतलब रेस कार और और, और सच में मतलब शाहरुख और में उस ट्रैक पे रेस करते ही रहते थे हमको रोक के कहते थे कि भैया अभी कैमरा के लिए भी कुछ करो तो भी वो प्रैक्टिसिंग हमें फॉर्मूला टू की गाड़ी होती थी वो वहाँ पर तो हमें वो जो वहाँ के कंपनी जे के जे जे के टायर्स के जो लोग हैं और दूसरे कंपनी वो बाकायदा हमें सिखाया गया कि कैसी ये गाड़ियाँ चलती क्योंकि बहुत बहुत तेज़ रफ्तार पे ये गाड़ियाँ जाती हैं तो सीखना पड़ता है कि इनको कैसे कंट्रोल करते हैं लेकिन इतना मज़ा आया वहाँ पर वो शूटिंग की पूरे मतलब फिल्म में इट वॉज़ सो इन्जॉयबल मतलब ऐसे फिल्म कंप्लीट हो गई तो कभी ऐसा ही लगा भी नहीं कि मतलब हम कोई मतलब एक सीरियसली शूटिंग कर रहे हैं जॉनी साहब जॉनी लीवर के साथ भी इतना मज़ा आता था और एक इंसिडेंट हुआ दिल्ली में जो मैं आपको बताना चाहूँगा और हम होटल में थे तो मैं नीचे आया मैं कहीं जा रहा था दिल्ली में बाज़ीगर की शूटिंग के दौरान और जब मैं नीचे आया तो एक सरदार जी कपल आ, बैठे थे तो उन्हें अरे दलीप जी हाउ आर यू ये वो नो और कैसे कैसे आना हुआ दिल्ली में तो मैं यहाँ शूटिंग कर रही फिल्म की कौन सी फिल्म है तो मैं आया बाज़ीगर तो उन्होंने कहा वैसे हीरो कौन है तो मैंने कहा अभी शाहरुख नया है तो मैं उसके नाम पर पूरा वजन डाल के इनको बोल दूँ तो मैंने कहा हीरो है शाहरुख खान पूरा मतलब ख वो सब डाल के तो सदा जी बोलता है अपनी वाइफ को बोला ना तेरे को जी अपना शुरू कर तो मतलब वो पूरा वजन जो मैंने डाला था वो पूरा बदल के उनके लिए दिल्ली में शुरू ही हुआ तो आई वो इंसिडेंट इट इज क्वाइट फनी एट द टाइम तो मैं शाहरुख को उसके बाद मैंने शाहरुख को बोला बताया ये इंसिडेंट तो उस टाइम पे उनको फनी लगा लेकिन अगर अभी उनको इतना फनी नहीं लगता एनी वे तो मतलब शाहरुख को कोई मतलब फ्रीली शूट कर रहे थे उसको वो सुपरस्टार नहीं थे उस ज़माने में पर उनका कमिटमेंट उसकी जो डेडिकेशन थी वो जिस तरीके से काम करते थे सब काजोल शिल्पा जॉनी इट वाज अ वेरी गुड एटमोस्फेयर तो आ, मैं फिर से बोलता हूँ कि मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे इसके, इस इस किस्म की फ़िल्में मिली और अब्बास मस्तान साहब भी फॉर्म में थे तो बाजीगर बनी फिर पिक्चर कंप्लीट हुई ट्रायल्स रखे गए बाजीगर के लिए तो उस टाइम पे मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये नेगेटिव हीरो है या वो ये जो मतलब चीज़ें होती हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग सोचते हैं इसके बारे में कि अरे हीरो ये कैसे कर सकता है वो कैसे कर सकता है। तो लोग ट्रायल पर आते थे लेकिन सब भागते थे सब खड़े होते थे वहाँ पर अब्बास मस्तान जी फुल वाइट में आ, 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 काजल मेरे ख्याल से नहीं होती थी वहाँ पर या कभी एक दो बार आई होगी शाहरुख होता था मैं होता था वहाँ पर उनके प्रोड्यूसर जो थे रतन जैन जी वो खड़े रहते थे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं सब पिक्चर देखने के बाद सब के पतली गली और तो जो प्रोड्यूसर है उनको मतलब ये मतलब महसूस होने लगा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ है ये पिक्चर क्योंकि सबका कहना था कि इसमें यार हीरो मतलब हीरोइन को ये तो मर्डर करता है बस लड़की को मतलब ढकेल देता है छत से ये कैसे चलेगी ये पिक्चर हीरो आपका मर्डरर है लेकिन जितने भी मतलब से अब्बास मस्तान भाई और शाहरुख एक सेकंड के लिए उन्होंने शाहरुख तो बिगनिंग से बोलता था कि पिक्चर खूब चलेगी सुपर हिट होगी उसकी ऑप्टिमिज्म जो थी वो कमाल की ऑप्टिमिज्म थी और हुआ ही वही कि पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई आज तक लोग बाजीगर मुझे मदन चोपड़ा ही बोलते हैं आजकल तो मतलब वो नाम हटाने का मतलब अभी सोचा नहीं था कि पिक्चर इतनी बड़ी फिल्म होगी और शाहरुख का भी करियर वहाँ से बदल गया मतलब यू मैं मे सुपरस्टार आफ्टर आफ्टर बाजीगर फिर डर आई तो इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस इट वॉज़ अ रियली रियली ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग बाजीगर